आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैनवा में शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं, और जैसा कि आज जन्माष्टमी है तो इस तरह का एनिमेशन आप कैनवा में बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए शॉर्टकट यूज करते हुए हम लोग कुछ कैनवा में बनाते हैं। तो एक प्लेन पेज हमने 1:1 रेशियो का ले लिया, जिसमें हम लोग यहाँ पर एनिमेशन शॉर्टकट पहले यूज़ करना सीखेंगे, फिर उसके बाद एनिमेशन बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला शॉर्टकट जो सिंगल शॉर्टकट है, सिंगल की एक शॉर्टकट है, इसमें हम कैपिटल कैप्स लॉक ऑन करके टी जब हम दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर टेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को केवल टी दबा करके आप एक्टिवेट करके टेक्स्ट लिख सकते हैं। दूसरा आया, अब हमें मान लीजिए कोई लाइन खींचनी है, तो एल दबाएंगे हम तो ये लाइन बन के आ जाएगी। इस लाइन को हम इसके नीचे लगा देते हैं। इस लाइन को का आप कलर चेंज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, और जो चाहे आप अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अब आया आपका सर्कल बनाना है, मान लीजिए आपको तो सी दबाइएगा तो सर्कल बनकर आ जाएगा। हमें मान लीजिए कृष्ण जी के पीछे कुछ ऐसा लगाना है जिसमें सर्कल आ जाए, इस पे हम ये वाला एनिमेशन अगर डाल दें साथ में तो ये और अच्छा लगने लगेगा। इसको उठा करके हम लोग इस पर फिक्स कर सकते, साइज आप छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं। इस तरह से सर्कल पे हमने इसको फिक्स कर दिया। अब हम जब आर दबाते हैं तो रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं क्योंकि ये मॉव कलर हम लोग ने लिया है, तो इसको नहीं लेते हैं। इसको इसके पीछे चाहे आप लगा सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जा करके हम लोग इसका कलर चेंज कर देते हैं। वो तो है ही है, ब्लैक कर दे, या ब्लैक भगवान जी में नहीं लगता है तो कुछ और कलर ले लेते हैं। मान लीजिए ये वाला ले लिया और इसके पीछे लगा दिया। अब लेयर्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो उसके लिए डबल की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग उसको सीखेंगे। इसको किसी और कलर में कर देंगे तो और अच्छा लगने लगेगा। इस तरह से कुछ सेट कर देते हैं, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये देखिए, अब इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप सेट कर सकते हैं। इसको आप लेते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से आप जाइएगा तो ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ से सेट हो जाएगी। इसको आप सेट कर सकते हैं, ये यहाँ से आपकी देखिए ट्रांसपेरेंसी आप जितना चाहें उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसका क्योंकि रेड और मोव मिलके पर्पल हो जाता है, तो इसलिए ये आ गया। अभी आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब हम लोग कृष्ण जी को ले आएंगे। इसमें कई तरह के कृष्ण जी हैं लेकिन फ्री वाले कम हैं, तो देखते हैं कौन से मिलते हैं हम लोग को। एक यहाँ से मटकी ले सकते हैं आप। अब मटकी मान लीजिए आपको सारी मटकी यहाँ पर लगानी है, तो मटकी अब आप यहाँ पे इसको जो बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी दबाइएगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड ऑलरेडी है, इटैलिक करना चाहिए इटैलिक हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है तो इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल डी दबाइएगा तो ये देखिए ऑब्जेक्ट आपका
डुप्लीकेट होता जाएगा। तो डबल की यूज करके, कंट्रोल डी यूज करके हम ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको लगाना है आपको, तो आप इसको ये देखिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट चीजों को यूज करके अपने एनिमेशन को अच्छा बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्राउन वाला आपको आप नहीं यूज कर पाइएगा। यहाँ पर दिया एक लगाना है आपको, तो एक दिया लगा सकते हैं, ये आपका दिया भगवान जी के लिए लग जाएगा, ये लटकाने वाला दिया है। एक ये दिया मिल गया आपको, इसको छोटा कर सकते हैं लोग, क्योंकि भगवान जी को जगह मिलनी चाहिए। अब कृष्ण जी देखें कौन से मिलते हैं, ऊपर वाले में तो अच्छे मिल गए हैं, इसमें देखते हैं। ये वाले ये मिले, तो इनको यहाँ पर फिक्स करना है ना, इस वाले गोले के पास। और ये दिया जो है अब हम लोग इधर कर सकते हैं। आड़ी ये भी मिल गई है, तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट फिर करना है तो कंट्रोल डी कर सकते हैं। बी से बोल्ड बताया और इटैलिक बताया आपको, ये देखिए ये ढेर सारी एक साथ आ गई, यहीं पे अच्छी लग रही है, इसको भी इस तरह से कर सकते हैं। तो हैप्पी क्रिसमस जन्माष्टमी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। अब क्या करेगा, कैपिटल करना है हमको इसको सारे को, तो कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल शिफ्ट और के दबाएंगे तो ये देखिए सारा कैपिटल हो जाएगा। तो आपको अगर सारा कैपिटल करना है तो रखिए, नहीं तो कंट्रोल जेड करिएगा तो अंडू हो जाएगा, कंट्रोल वाई करिएगा तो रीडू हो जाएगा, कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से ये वापस आ जाएगा। अगर आपको इसको कॉपी करना है, इस ऑब्जेक्ट को बाहर क्लिक करिए, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल वी करिए, तो ये ऑब्जेक्ट आपका कॉपी हो जाएगा, वो आपको सभी को पता है। और अलाइन करना है, इसको अलाइन करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और एल दबाना पड़ेगा तो लेफ्ट हो जाएगा, आर दबाना पड़ेगा तो राइट हो जाएगा, और सी दबाएंगे हम तो सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाने से सेंटर हो जाएगा। अब रीसाइज करना है, ड्रैग करना है फ्रॉम सेंटर, किसी चीज को सेंटर से ड्रैग करना है, तो उसके लिए ऑल्टर और ड्रैग करेंगे हम जब, तो ये देखिए डुप्लीकेट होता जाएगा। हमें डुप्लीकेट नहीं करना, कंट्रोल जेड कर देंगे क्योंकि भगवान जी तो एक ही चाहिए इसमें। और आगे पीछे करनी है कोई चीज तो अब जैसे ये आ गया है, इसमें इसको नीचे कर लेते हैं, कंट्रोल जेड, इसको ये मक्खन को हम लोगों को सेलेक्ट करना है, थोड़ा नीचे करना है क्योंकि भगवान जी का पैर नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे कर लेंगे है ना। और भगवान के पीछे अगर कुछ करना है तो सेंड बैक करेंगे, और आगे करना है तो अलग बात करेंगे। तो इसको यहाँ पे सेट करना है तो ऐसे सेट कर लेंगे, इस तरह से कुछ हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। अभी क्या है, कोई चीज अगर हमें आगे पीछे करनी है और तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको
किस इन दोनों को ग्रुप करना है मान लीजिए, तो ग्रुप करने लिए कंट्रोल जी कर देंगे तो ये एक हो जाएगा। अब इन इसको ग्रुप करना है कंट्रोल, ये इन सबको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल जी करिए तो ये ग्रुप हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और जी करेंगे तो फिर से अलग हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। इसको आगे करना है आपको तो कंट्रोल करके करली ब्रैकेट दो बार दबाइए तो आगे पीछे लेयर हो जाएगी। अब एक और लेयर बनाएं तब समझ में आएगा। जैसे ये वाली लेयर हमारी पीछे है, आगे है, और ये वाली लेयर हमारी, एक और ले आते हैं कंट्रोल, ये कर लेते हैं, ये किया। अब इसको क्या कंट्रोल, मेरे पास दो लेयर है तो हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे ये देखिए राउंड हमने कृष्ण जी के पीछे भेजा है, तो अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला ले लिया, तो ये देखिए सामने है। अब इसको कंट्रोल जब करली ब्रैकेट हम लोग करेंगे तो एक बार ये पीछे चला जाएगा और एक बार ये आगे आएगा। देखिए ये दिया आगे आ गया और ये पीछे चला गया। अब इसी तरह फिर से हम जब ये करेंगे तो देखिए दिया पीछे चला गया और ये आगे आ गया। तो इस तरह से हम लेयर को आगे पीछे कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, हमने जितने शॉर्टकट थे वो आप लोग को बता दिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और क्योंकि ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर देंगे। और आपको और कैनवा में क्या सीखना है आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कैसा मेरा ये वीडियो लगा एनिमेशन बना के शॉर्टकट के थ्रू आप ज़रूर लिखिएगा, और प्रेस बेल दबाइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, थैंक यू।